वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। रात के 12 बज रहे हैं और आप भी बोलोगे कुणाल भाई क्या अपडेट दे रहे हो 12 बजे, कौन ही जागा होगा। बट भाई इन्फॉर्मेशन ही ऐसी है, मैं खुद सोने जा रहा था बट इन्फॉर्मेशन ऐसी मेरे से रहा नहीं गया और मैंने कहा भाइयों के साथ जरूर शेयर करनी है डंकी मूवी के ट्रेलर के बारे में। पता नहीं कौन सा ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप 2, 3, 4 आई डोंट नो, बट ट्रेलर का पूरा डिटेल्स निकल चुकी है बिकॉज ट्रेलर आज CBFC से पास हुआ है। मैं ट्रेलर का आपको बताता हूँ बट उससे पहले भाई थैंक यू सो मच, मैंने लुटपुट गया गाने पे रील बनाई थी डांस की, बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने रिस्पांस दिखाया, बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे प्यारे कमेंट्स आए, कुछ नेगेटिव भी आए बट दैट इज ओके, वो फीडबैक के फॉर्म में था। और इससे ज्यादा तो ट्विटर पे मैंने डाला भाई, वहां अलग ही वायरल चल रहा है। मुझे पता ही सब्सक्राइबर्स ने मुझे इंस्टा पे और यूट्यूब पे बताया भाई आपका रेड चिलीज वालों ने रीट्वीट कर दिया आपका। मैंने कहा अच्छा भाई वहां जाके देख रहा हूं तो भाई पता नहीं कितने सारे व्यूज हो गए, तो वहां तो अलग ही लेवल का मैं वायरल हो रखा था। बट भाई वायरल आप मुझे यूट्यूब पे भी कर सकते हो अगर आपका मुझे साथ मिला, और साथ तभी मिलेगा जब आप मेरी वीडियो को शेयर करोगे और सब्सक्राइब जरूर करोगे। ठीक है चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई डंकी का, बता देता हूं आपको अपडेट। देखो भाई डंकी का ट्रेलर है रिलीज हो मतलब पास हो चुका है CBFC से और उसका लेंथ है 2 मिनट 41 सेकेंड। नाउ दिस इज कॉल्ड न्यूज भाई, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था बिकॉज देखो ड्रॉप 1 देखा, ड्रॉप 2 देखा, सॉन्ग देखा, मैं तब से बहुत सारी वीडियोस में जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा मैं ये बोल रहा हूँ भाई आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर वो कॉमेडी वाला और वो पंजाब वाला फेवर, आई एम एक्साइटेड बट मेरा ज्यादा ध्यान रहेगा वो जर्नी पे जहाँ वो सोल्जर शाहरुख खान किस तरीके से अपने स्किल्स यूज करके क्योंकि वो सोल्जर उसको दिखाया आई थिंक उसका पर्पस यही है उनको लोगों को वापस लाएगा या लेके जाएगा नॉट श्योर। बट ये ट्रेलर 2 मिनट 41 सेकंड का है, इसमें कुछ ना कुछ तगड़ा बम फटेगा। और मेरी बात एक आपको मैं बता दूं, इस ट्रेलर के बाद असली क्रेज आपको डंकी, देखो मेरा जितना भी बड़ा चैनल है ना मैं आपको अपने चैनल के बेस पे बता सकता हूँ डंकी मूवी के हिट्स अलग ही लेवल के आते हैं। एंड सेम गोज विद सलार ऑल्सो, सलार का भी ट्रेलर का काफी डिमांड है, सलार मूवी की भी काफी डिमांड है मोर स्पेसिफिकली बिकॉज दोनों एक मतलब आसपास रिलीज हो रहे हैं, मतलब एक ही दिन पे बोल सकते हैं अभी तो क्लैश की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड है और सलार की अपनी भी बहुत फैन फॉलोइंग है। बट एनीवे सलार का टॉपिक किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी डंकी की बात हो रही है यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। ये राजू हिरानी देखो खुद में एक बहुत बड़े एडिटर रहे हुए हैं, उनका पास वो एडिटर है, मुझे तो ये देखना है वो ट्रेलर को ना ट्रेलर को भी टेक्निकल उसमें देखूंगा भाई किस तरीके से बंदे ने ट्रेलर काटा। देखो एनिमल का ट्रेलर इज द बेस्ट एग्जांपल जहां रातों रात जो इंटरेस्ट है वो मैनिफोल्ड्स गया है। आप सोचो अगर डंकी के ट्रेलर में इन्होंने फुल सेट बिल्कुल सटीक तरीके से काट दिया कि जिसमें ना तो पब्लिक को बहुत ज्यादा प्लॉट रिवील हो और एट द सेम टाइम ऐसे ऐसे कुछ सीन्स ग्लिम्स छोड़ दो जहां तड़प तड़पता हुआ छोड़ दो पब्लिक को कि भाई ये तो देखनी ही देखनी है मूवी चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस दिसंबर मंथ बहुत ज्यादा मेरा बिजी जाने वाला है, मुझे पता है बहुत ज्यादा, ऐसे जवान के टाइम भी हो रहा था बहुत ज्यादा, इवन टाइगर के टाइम भी थोड़ा बहुत हुआ, बहुत ज्यादा बिजी जाएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों के साथ। बस आपका सपोर्ट मिलना जरूरी है मेरे चैनल पे, एंगेजमेंट अपनी दिखाते रहो जैसे दिखा रहे हो, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट और लाऊं। अगर किसी पे व्यूज नहीं आते ना तो थोड़ा दिल टूटता है भाई, छोटे लोग हैं अभी कहां इतना ज्यादा कुछ हो पाया। ठीक है बट एनीवेज होपफुली हो जाएगा, अपना काम पे ध्यान देंगे। चलो टेक केयर, गुड नाइट, सो जाना आराम से और कमेंट जरूर करना अगर अभी मेरी वीडियो देख रहे हो। बाय बाय।